एक दिन प्रहलाद जी वन में गए और उनको एक अवधूत का दर्शन हुआ। महात्मा दत्तात्रेय मिले वन में, प्रहलाद जी ने हाथ जोड़े प्रणाम किया, महाराज मैं देख रहा हूं आपको बड़े निश्चिंत रह रहे हैं, आप कोई चिंता नहीं कोई फिक्र नहीं, आपके लिए भोजन कहां से आता है, आपके पास तो चेला चेले भी नहीं धन भी नहीं है, बताइए मुझे आप कैसे रह लेते हैं अकेले। महात्मा मुस्कुराए प्रहलाद जी की ओर देख करके बोले, राजन मैंने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए और उनसे मैंने कुछ ना कुछ सीखा और उन्हीं में मेरे दो प्रमुख गुरु, मधुमक्खी को गुरु बनाया, मधुमक्खी से सीखा, मधुमक्खी रस का संग्रह करती है, पुष्पों से रस लाती है इकट्ठा करती है और स्वयं उसका उपयोग नहीं करती, दूसरों को नहीं करने देती, लोगों को पता चलता है, लोग जाते हैं कम्बल उड़ करके नीचे धुआं करते हैं आग जलाते हैं, धुआं होता है मक्खियां भाग जाती हैं शहद तोड़ लेते हैं। मैं ठहरा संत, धन का संग्रह नहीं करता, सोचता हूं धन का संग्रह करूंगा लोगों को पता चलेगा और लोग आएंगे नए नए बहाने लेकर के, कोई चेला कोई चेली कोई कोई, और अवसर पाकर के धन लेके चले जाएंगे, इसलिए मैं धन रखता ही नहीं, मैंने मधुमक्खी से सीखा। संत को संग्रह नहीं करना चाहिए। दूसरा मैंने गुरु बनाया अजगर को, अजगर करें न चाकरी पंछी करें न काम, दास मलू का यो कहें सबके दाता राम। पढ़ा रहता हूं जो प्रारब्ध बस मिल जाता है पा लेता हूं, नहीं मिलता तो जैसी हर इच्छा बस, इसलिए मैं निश्चिंत रहता हूं, कोई मन में इच्छा नहीं। चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए सोई साहंसा। अवन तो ऐसे ही रहते, प्रहलाद जी बैठे दत्तात्रेय जी के पास, संतों के पास जाओ तो कभी चरणों में बैठो,